आपका मेरे चैनल में, मैं ऋचा त्रिपाठी। आज आपको बताने चाहती हूँ सीटीएम के बारे में। आप बहुत अच्छा मेकअप करना चाहते हैं तो गाइस सीटीएम का अहम रोल है उसमें, आपके मेकअप को फ्लॉलेस करने में, आपके मेकअप को ग्लोई करने में, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने में, और आपका मेकअप गिरे ना पड़े इस चीज को भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सीटीएम करना है आपको, इसको आप मेकअप के पहले, मेकअप आपका कैसा भी हो, लाइट हो, पार्टी मेकअप हो, इवनिंग पार्टी मेकअप हो, ये मॉर्निंग पार्टी मेकअप हो, ब्राइडल मेकअप लुक है, आपका मेकअप लुक कैसा भी है, किसी भी टाइप का है, बट आपको सीटीएम जरूर करना है। सीटीएम का मतलब होता है क्लींजिंग टॉनिंग मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग आप किसी भी अच्छे क्लींजिंग मिल से आप फेस को वाइप करेंगे मसाज करके, टॉनिंग करेंगे, उसे क्या हुआ आपने डीपली क्लींज कर दिया, पोर्स आपके ओपन हुए, डीपली क्लींज किया है क्योंकि आपने, तो सारी गंदगी निकल गई। अब टोनर से आप पोर क्लोज करेंगे और स्किन को उसको टाइट करने में वर्क करता है टोनर, और उसको अच्छे से हाइड्रेट करेंगे मॉइस्चराइजर के थ्रू। तो ये इतना प्रोसेस करना है, देन आपकी स्किन तैयार है मेकअप के लिए। तो बात अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम करना कैसे है हमें। आप देख रहे हैं मेरे फेस पे हल्का फुल्का मेकअप है। अब मान लीजिए मैं मेकअप करने जा रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे मेकअप करना है, मैं आई हूँ और मैं सबसे पहले लूंगी क्लींजिंग मिल्क लिया मैंने, क्लाइंट के ऊपर ही आप इसी प्रोसेस को करेंगे। क्लींजिंग मिल्क लिया आपने अच्छे से और इससे मसाज करेंगे। ये डीप क्लींज करता है, एक से दो मिनट ही आपको मसाज करनी है अच्छे से। और ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है, सबसे अच्छी बात, स्किन में हाइड्रेशन बरकरार रखता है, डीप क्लींज कर देता है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये इसका प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। कॉटन या वाइप से हम इसको क्लीन कर देंगे, तो जो भी प्रोडक्ट होगा मेकअप का या पॉल्यूशन, डस्ट कुछ भी है मेरी स्किन पे, वो सारा कुछ इसी में आ जाएगा। इसको हटा देंगे, दूसरा कॉटन लेंगे हम। अभी है प्रोडक्ट मेरे फेस पे, तो क्योंकि ये देखिए क्लींजिंग मिल्क आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल हो वो कीजिएगा। इसको आप अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, स्किन आपकी क्लीन रहती है, आप इसको रूटीन में अपने मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेना है कोई भी टोनर, इस तरह से लेंगे हम, कॉटन में ही इसके कुछ ड्रॉप लेंगे। और डैब डैब कर देंगे स्किन में, जहां पोर्स की प्रॉब्लम होती है वहां तो आपको खास तौर से इस प्रोडक्ट का यूज करना ही करना है गाइस। और ये जो प्रोसेस करेंगे आप इसमें एक एक मिनट का गैप करते जाएंगे, तब आपको आगे काम करते जाना है। अब इसको भी हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेंगे क्योंकि हमें स्किन के में मॉइस्चराइज, स्किन को हाइड्रेट करना है, स्किन में हमारा जो मेकअप हम करने वाले हैं, जो बेस करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली काम करे, स्किन हाइड्रेट रहे, पैची मेकअप ना हो कहीं हमारा, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर का यूज करना बहुत जरूरी है। यहां तक हम अपनी स्किन को तैयार कर चुके हैं, अब आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेंगे अच्छी सी क्वांटिटी में और स्किन में मसाज देंगे अपर डायरेक्शन में स्ट्रोक ले रहे हैं, ताकि स्किन टाइट हो साथ में हाइड्रेट हो। स्ट्रोक पे ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट को कर रहे हैं तो भी, सेल्फ कर रहे हैं तो भी, दोनों प्रोसेस सेम रहेगा।
ये प्री स्किन केयर रूटीन है, इसको आप जरूर करें, और चाहें तो आप इसको अपने मॉर्निंग रूटीन में या इवनिंग रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, तो स्किन आपकी बहुत ही हेल्दी रहती है। औंठों पे लिप बाम लगा दीजिएगा। अब आप तैयार हैं मेकअप के लिए, आपकी स्किन तैयार हो चुकी है। एक मिनट बाद आप अच्छे से मेकअप शुरू कर दीजिएगा और फिर देखिएगा आपका मेकअप कितना अच्छा जाएगा। रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा आपकी, क्योंकि आपकी स्किन में हाइड्रेशन बहुत अच्छी सी क्वांटिटी में जा चुका है, और आप देखेंगे स्किन आपकी कितनी सॉफ्ट हो गई है, और आप जो मेकअप करेंगे फ्लॉलेस चलेगा, आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो स्मूथली चलेगा। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं लगाइए कि स्लिप करे, और हमेशा इस प्रोसेस को एक एक मिनट का टाइम दीजिए। मॉइस्चराइजर लगाया इसे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने दीजिएगा, और फिर आप एक से दो मिनट बाद अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लिप बाम लगा दीजिएगा। अब आप देखिएगा कितना अच्छा आपका मेकअप होने वाला है। तो जिन जिन को मेकअप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें और मेकअप करें, फिर बताएं रिजल्ट कि कैसा रिजल्ट रहा उनका। किसी भी, जो मैंने सारी प्रॉब्लम बताई है उन सब में से एक भी प्रॉब्लम अगर आती है मेकअप के बाद, अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो इस प्रोसेस को करने के बाद में मेकअप कीजिएगा, फिर मिलते हैं आप, फिर बताइएगा कि क्या वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। 100% गारंटी है दूर हो जाएगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पानी खूब सारा पीजिएगा, अपनी स्माइल को बरकरार रखिएगा, स्किन ग्लो करेगी, मेकअप बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आपकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।